जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारी रोजाना 10 मिनट 50 प्रश्न की सीरीज़ में। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज से हम पढ़ने वाले हैं भारत का प्राचीन इतिहास, जिसमें आज अपना टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले किसने देखा था? तो इसे देखा था दोस्तों चार्ल्स मेसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ए कनिंगम को जो है भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है दोस्तों ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और काश्ययुगीन सभ्यता भी हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किसने किया था? ये किया था दोस्तों जॉन मार्शल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की विधिवत घोषणा कब हुई थी? तो इसकी विधिवत घोषणा हुई थी दोस्तों 1924 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का उपयुक्त नाम रखा गया, आज़ादी के बाद जो है दोस्तों हड़प्पा इसका जो है नाम रखा गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर से दक्षिण सिंधु सभ्यता का विस्तार है, अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें दोस्तों तो उत्तर में मांडा से दक्षिण में देमाबाद तक जो है इसका विस्तार है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सीमा का सर्वप्रथम निर्धारण किसने किया था? तो इसकी सीमा का निर्धारण किया था दोस्तों SR राव ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा अफगानिस्तान में आम्र दरिया किनारे स्थित सोर्दगोई को माना है? तो ये सोर्दगोई को जो दोस्तों पोस्केल ने माना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर जो है इसका विस्तार है। स्वतंत्रता के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ मिले? तो आज़ादी के बाद जो सबसे अधिक स्थल गुजरात में जो है इसके मिले हैं। राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, तो देख पा रहे हो आप कालीबंगा, पीलीबंगा, ये सभी जो है राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। मोहन जोदड़ो स्थित हैं, तो मोहन जोदड़ो जो है दोस्तों इस समय पाकिस्तान में स्थित हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राखी गढ़ी व धोलावीरा हैं, तो ये जो है दोस्तों दोनों भारत में हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधवकालीन स्थलों में 6 सबसे बड़े नगरों में शामिल हैं, सिंधु सभ्यता के काल के जो 6 सबसे बड़े नगर हैं उनमें से देखो मोहनजोदड़ो, घनेरी वाला और कालीबंगा, ये भी जो है इनमें शामिल है, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सन जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी का समय बताया है, तो सभी विद्वानों ने अलग अलग इसका समय बताया, तो मार्शल ने जो इसका समय बताया दोस्तों 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल किस नदी के किनारे स्थित हैं? लोथल जो है दोस्तों भोगवा नदी के किनारे स्थित हैं। बालाकोट किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो बालाकोट जो है दोस्तों विंदार नदी के किनारे स्थित हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सूतका गेंडोर कहाँ स्थित हैं? सूतका गेंडोर जो है दोस्तों पाकिस्तान में स्थित हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लाह दिनों की खोज किसने की? तो अल्लाह दिनों जो सिंधु सभ्यता स्थल है उसकी खोज फेयर सर्विस ने की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग पद्धति की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये C14 जो अपनी पद्धति कहते हैं इसकी खोज की थी दोस्तों विलियर्ड लिब्बे ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विद्वान ने वैदिक आर्यों को ही हड़प्पा सभ्यता का निर्माता माना है? तो ये जो है इनको निर्माता माना है दोस्तों TN रामचंद्रन, KN शास्त्री और पुलसागर, इन तीनों ने जो है इनको माना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिद्धांत के अनुसार सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति आकस्मिक एवं एकाएक रूप में मानी जाती है? मतलब ऐसा कौन सा वो सिद्धांत है? तो वो सिद्धांत है दोस्तों ऑलचिन भारतीय उत्पत्ति सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जिसने सिंधु घाटी सभ्यता के भारतीय उत्पत्ति के साथ इसके क्रमिक विकास के सिद्धांत को स्वीकार किया, इनमें से वो कौन है? तो वो है दोस्तों डॉक्टर P अग्रवाल या DP अग्रवाल। किनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के जनक द्रविड़ थे? तो द्रविड़ जो है इनके जनक माना है राखलदास बनर्जी ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता आर्यों को माना है? तो आर्यों को जो इनका निर्माता माना दोस्तों डॉक्टर रामचंद्र और डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, मतलब दोनों ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता सुमेरियंस को माना है? तो सुमेरियाई लोगों को इसका जो है जनक माना है गॉर्डन चाइल्स ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से प्राप्त मानव के अस्थि पंजर के अवशेषों से कितनी प्रजातियों का पता चला? तो इनसे जो है दोस्तों 4 प्रजातियों का पता चला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अधिकांश इतिहासकार निम्न में से किस मत का समर्थन करते हैं? इसके बारे में जो है दोस्तों अधिकांश इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि इस सभ्यता के लोग भूमध्य सागरीय थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर हैं? तो नदी के तट पर जो है दोस्तों मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और रोपड़ ये सभी नगर स्थित हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य? अब इनमें से जो सही है वो अपने को बताना था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों के आगमन से
भारत में आगमन से पूर्व विद्यमान थी, सही है। सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों के भारत में आगमन से पूर्व विद्यमान नहीं थी, ये गलत है। तो इस प्रकार अपना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा नामक स्थल कहाँ है? तो हड़प्पा स्थल जो है दोस्तों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। हड़प्पा नगर का व्यापक उत्खनन किसने करवाया था? तो इसका व्यापक उत्खनन जो है दोस्तों करवाया था माधव स्वरूप वत्स और मार्टिमर व्हीलर ने, मतलब ए और बी दोनों हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा से प्राप्त अवशेष मिले हैं, तो हड़प्पा से जो अवशेष मिले हैं वो गेहूं और जौ के दाने, पीतल तथा पर बना इक्का, ये सभी दोनों जो है इसमें मिले हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन जोदड़ो से प्राप्त अवशेषों में शामिल है, तो मोहन जोदड़ो से जो अवशेष प्राप्त हुए उनमें विशाल अन्नागार है, कांसे की नृत्य रत्न नारी की मूर्ति है और एक बौद्ध स्तूप है। इस प्रकार उपयुक्त सभी जो है अपना सही हो जाएगा। हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों में शामिल हैं, तो इनमें देखिए आप, एक अन्नागार मिला है, बर्तन पर मछुआरे का चित्र है, मनुष्य के शव के साथ बकरे के अस्थि पंजर के अवशेष हैं, सही है। तो सभी जो है इसमें सही हो जाएगा। निम्न में से हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों में शामिल हैं, इसमें भी हड़प्पा के बताने हैं, तो देखिए कांसा गलाने के पात्र मिले हैं, मनुष्य के शव के साथ बकरे के अस्थि पंजर के अवशेष मिले और शंख का बना बेल मिला है, ये तो सभी जो है सही हो जाएगा। निम्न में से किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा? तो ये जुड़वा राजधानी कहा दोस्तों स्टुअर्ट पिगट ने, ये प्रश्न कई बार जो है रिपीट हुआ है। मोहनजोदड़ो शब्द किस भाषा से बना है? मोहनजोदड़ो जो शब्द है दोस्तों ये सिंधी भाषा से बना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को जो है दोस्तों सिंध का नखलिस्तान भी कहते हैं, माउंट ऑफ डेड कहते हैं, सिंध का मरुस्थल कहते हैं, सभी नाम जो है इसके मोहनजोदड़ो के हैं। प्रोफेसर टीपी वर्मा ने दावा किया कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति है, तो ये जो है पार्वती माँ की मूर्ति, इन्होंने इसको बताया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति शिव की मुहर को मार्शल ने क्या कहा? तो मार्शल महोदय ने जो है दोस्तों इसे कहा है कि ये जो है आद्य शिव की मूर्ति है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपति शिव की मुहर देखने पर हमेशा दिखाई देगी, तो ये मुहर जो है हमेशा उल्टी दिखाई देगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विद्वान जिन्हें मोहनजोदड़ो के कंकालों से मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं, तो मलेरिया के साक्ष्य मिले दोस्तों KUR कैनेडी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से जो है दोस्तों देखिए सिलबट्टा और मिट्टी का तराजू मिला है, महाविद्यालय भवन मिला है, हाथी के कपाल खंड के अवशेष मिले हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। 20 खंभों वाला सभा भवन किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये जो है दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पुजारी या योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये योगी की मूर्ति जो है दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। बैलगाड़ी व इक्का गाड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये अवशेष जो है दोस्तों चन्हुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। निम्न अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए? चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य, सीप की बनी हुई पटरी या स्केल और हत्या के लिए छेद वाला एक बसूला, तो ये जो अवशेष है दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये थी अपनी आज की क्लास, आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।